वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, आपके बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एनम जीएनएम और क्या है कि फार्मेस्ट लैब टेक्नीशियन डाटा एंट्री ऑपरेटर वार्ड बॉय ईटीसी पोस्ट आपातकालीन में निकाले जा रहे हैं। लगभग हर एक जिले में डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जा रही है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि एनम के 142 पदों के लिए टोटल 3160 फॉर्म आए। इस कदर बेरोजगारी देखने को मिली आपके बिहार में, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं। और इस बेरोजगारी का एक झलक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम। ये न्यूज है, 140 रिक्त पदों पर होना है नियोजन। अधिक भीड़ जुटने के कारण इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, सिर्फ आवेदन यहाँ पर प्राप्त किए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरव्यू की डेट क्या है कि कल तय की गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि केवल वहाँ पर फॉर्म जमा किए गए और 16 काउंटर लगे थे, फिर भी भीड़ पूछो ही मत। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बेरोजगारी यहाँ पर छाई हुई है। और ये न्यूज़ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आ रहा है, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट यहाँ पर शामिल ही नहीं किए गए। उनकी क्या है कि जो भर्ती थी, उनका जो इंटरव्यू था, पहले ही स्थगित कर दिया गया था। केवल एनम के पोस्ट के लिए इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। हम आपको बता दें कि बंद दुकानों से 50 रुपये तक के बिके आवेदन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, और आवेदन जमा करने में चूड़ियाँ भी टूट गई, जो कि कॉपी कराओ कराइए तो 2 रुपये का फॉर्म का कॉपी होता है, वो 50 रुपये का यहाँ पर बिक गया। इस कदर यहाँ पर बेरोजगारी देखने को मिली। और एक महिला कांस्टेबल, वो तो बेहोश ही हो गई फ्रेंड्स, और उसका शाम तक इलाज चला। आप देख पा रहे हैं कि एनएम के नियोजन में उमड़ी भीड़ बेकाबू नियंत्रित करने में महिला पुलिस हो गई बेहोश और जमा हुए 3100 आवेदन। तो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सोमवार की सुबह से जुटने लगी थी भीड़। सोमवार के अहले सुबह से ही विभिन्न जिलों में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी। अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए सिविल सर्जन ने प्राप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की, और स्थिति को देखते हुए सदर DSP रमाकांत उपाध्याय व SDO ने स्वयं कैंपिंग करना शुरू किया। तो आप देख पा रहे हैं किस कदर यहां पर बहाली के लिए भीड़ छाई हुई है। और हम आपको बता दें कि यहां पर 5 बजे तक आवेदन लिए गए हैं, टोटल 3100 आवेदन लिए गए हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू की डेट उनको मैसेज या मेल या फिर वेबसाइट सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर न्यूज एंड नोटिफिकेशन शेयर कर दी जाएगी। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसी मंथ में उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, और उनका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जैसे ही कोई न्यूज एंड नोटिफिकेशन निकल के आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित